नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका शिवम वर्मा। आइए आपको प्रयागराज शंकरगढ़ से बड़ी खबर बता दें। शंकरगढ़ थाने के दबंगई सर चढ़कर बोल रही है, मुझसे बढ़कर कौन। शंकरगढ़ थाने पर जहां पुलिस कर्मियों ने एक निरपराध को बेरहमी से पीटा और उससे बदतमीजी की और 10,000 रुपए भी वसूले। मामला चित्रकूट के अंतर्गत आने वाले मऊ तहसील के शिवपुर गाँव का है, जहाँ मुख्तार अहमद निवासी शिवपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट का निवासी अपने किसी काम को लेकर जसरा गया था। वापसी में आते समय एनटीपीसी के कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा लगाई गई थी चेकिंग, जिसके दौरान मुख्तार अहमद की पिकअप को रोका गया। रोकने पर जब मुख्तार अहमद ने कुछ दूर चला कर गाड़ी बाहर ले गए, तो शंकरगढ़ के पुलिस कर्मियों ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे गाड़ी से बाहर निकाल कर बोले कि वहां पर गाड़ी क्यों नहीं रोका, आगे क्यों लाया वहां से, और इतना कहकर उसको डंडे और लाठी से पीटने लगे। फिर उसके बाद शंकरगढ़ थाने ले गए। रात्रि के समय 9 बजे पीड़ित मुख्तार अहमद से 15,000 रुपए की बात कही गई और कहा कि पैसे नहीं देगा तो तुम्हारी गाड़ी सीज कर देंगे और तुमको भी चालान करके जेल में भेज देंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए कोऑर्डिनेटर हेड विनय कुमार साहू की रिपोर्ट। नाम है आपका? मुख्तार अहमद। कौन सा गांव है आपका? शिवपुर। कौन सी तहसील में पड़ता है? मऊ। मऊ तहसील में पड़ता है। कल का वाकया जो हुआ आपके साथ, कहाँ पे हुआ है? ये एनटीपीसी में हुआ। क्या करने गए थे एनटीपीसी? जा रहे थे जसरा बल्ली लादी। फिर वहाँ से फिर वापस आए, वहाँ 26 बल्ली लादी थी। अच्छा, तो क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में हमें रुकवाया गया, चेकिंग लगाए थे। कौन चेकिंग लगाए थे? यशो। यशो चेकिंग लगवाए थे जी। तो फिर क्या बोले आपको? वहाँ रोके नहीं, वो हाथ दिए, हम वहाँ नहीं रोके, पीछे ट्रक आ रहा था, उसके बाद थोड़ी दूर बाद रोके, साइड में रुकाए, तब आया उधर से पुलिस, तो उसके बाद उतार के मारने लगा कि रोशनी को वहाँ पर नहीं रोका। अच्छा, यहाँ पे क्यों रोक? इसके लिए आपको बेरहमी से पीटे जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हमें बैठाले रह गए थाने में, गाड़ी खड़ी करवा दिया। बैठाले रह गए थाने में, खड़ा करवा दिया जी। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद 5:30 बजे घटना है, 9 बजे हमें थाने ले गए जी। थाने में क्या हुआ? थाने में हम बैठे रहे कुछ देर बाद, उसके बाद कह रहा है तो क्या करना है, गाड़ी सीज कर देंगे, हम क्या बात कर रहे हैं भैया से। फिर उसके कह रहा था कि 10,000 रुपए लगेगा आपको। काहे के लिए? ऐसे ही मांग रहा था, नहीं गाड़ी सीज कर देंगे। आपसे पैसा मांग रहे थे 15,000 की? 15,000 दीजिए तो छोड़ देने, नहीं छोड़ेंगे जी। फिर कितना दिए, पैसा दिए आप उनको? जी दिए हैं। 10,000 दे दिए? 10,000 दिए।